आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से दिए गए बयान के बाद सियासी पारे में जमकर उबाला है। आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर बसते हुए शिक्षा मंत्री को दिमागी रूप से बीमार तक कह दिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काफी ट्रोल हो रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लोग मदन दिलावर मुर्दाबाद हैशटैग के नाम से पोस्ट कर रहे हैं। इस दौरान ट्राइबल आर्मी आईडी ने भी लिखा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री @मदन दिलावर ने संघीय गणित मानसिकता रखकर जिस प्रकार का शर्मनाक बयान दिया है, इससे आदिवासियों में भयंकर आक्रोश है। मंत्री जी ने अगर आप माफी नहीं मांगी तो समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आर्मी ने आगे ये भी लिखा है कि मदन दिलावर मुर्दाबाद, मदन दिलावर माफी मांगे, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदि स्लोगन भी लिखे हैं। अब इनके बीच प्रदेश का आदिवासी समुदाय भी दिलावर के बयान पर जबरदस्त आक्रोशित है। प्रतापगढ़ के आदिवासी समाज के युवाओं ने भी दिलावर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शनिवार को प्रतापगढ़ में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के युवाओं का कहना है कि जब तक मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदेश में आदिवासी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट कराने के बयान के बाद सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपनी मानसिक जांच की जरूरत है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। इसलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या मदन दिलावर शिक्षा मंत्री माफी मांगते हैं या फिर ये केवल एक अफवाह ही रहेगी। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। नमस्कार।